कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा को स्थगित कर दिया है, लेकिन चारों धामों के कपाट निर्धारित समय पर ही खुलेंगे और तीर्थ पुरोहित मंदिरों में नियमित रूप से पूजा अर्चना करेंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि अगर हम कोरोना संक्रमण को कंट्रोल कर लेते हैं और भविष्य में स्थिति सुधरती है तो चार धाम यात्रा शुरू करने पर विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि 14 मई को यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलने के साथ चार धाम यात्रा शुरू होनी थी। पिछले साल भी उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने 1 जुलाई से श्रद्धालुओं के लिए चार धाम यात्रा शुरू की थी। इस दौरान श्रद्धालुओं के सामने कई शर्त रखी गई थी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है कि फिलहाल ये यात्रा स्थगित की जाती है और उसके बाद जब हम कंट्रोल कर लेंगे बीमारी पर, संक्रमण पर कंट्रोल हो जाएगा, तो उसके बाद यात्रा पर विचार किया जाएगा कि यात्रा शुरू की जाए। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं और निश्चित रूप में हम नहीं चाहते कि पहाड़ों पर हमारा संक्रमण फैले। बीमारी का एक बहुत बड़ी लहर आ रही है, इसको देखते हुए अभी फिलहाल यात्रा को स्थगित किया गया है। इसको आप सस्पेंडेड समझें, यह कैंसिल नहीं हुई है। आगे भविष्य में जब स्थिति सुधरेगी और सभी जो यहाँ पर काम करने वाले हैं, होटल वाले हैं, सभी से मेरा आग्रह है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सैनिटाइजेशन करते रहें। जितनी जल्दी यहाँ का कोरोना संक्रमण जो है कंटेन हो जाएगा, उतनी ही जल्दी यात्रा पे शुरू करने पर विचार किया जाएगा। सभी से आग्रह है कि वैक्सीन ज़रूर लगाएं। वैक्सीन से हम लोग स्वस्थ रहेंगे, देश स्वस्थ रहेगा, उत्तराखंड स्वस्थ रहेगा। वहीं आपको बता दें कि चार धाम यात्रा इस बार स्थगित होने के बाद छोटे व्यापारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसे में सरकार की ओर से छोटे व्यापारियों की मदद की जाएगी। इस बारे में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बातचीत करेंगे। सतपाल महाराज ने आज अफसरों के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार भविष्य में चार धाम यात्रा के विचार पर जिला प्रशासन की ओर से की जाने वाली तैयारियों की भी जानकारी ली गई, जिस पर जिलाधिकारियों ने कहा कि भविष्य में चार धाम यात्रा के विचार पर सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग के साथ टीकाकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सतपाल महाराज ने अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी 108 एम्बुलेंस में 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जाए, साथ ही जिलों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड और दवाइयां पर्याप्त मात्रा में होना सुनिश्चित करें। मुझे याद है, MI News।